वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की बात की जाए तो आज 94.40 पे क्लोजिंग दे चुका है। 2 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में आज के दिन में। तो देख सकते कि कल के दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी, फिर आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिले स्टॉक में। आज जैसे ओपन हुआ, ओपन होते ही गिरावट देखने को मिली थी, प्रीवियस क्लोजिंग को भी ब्रेकआउट देखिए और गिरावट देखने को मिली थी। तकरीबन नीचे देख सकते कि 94 लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका था आधे दिन से ज्यादा। मीन्स देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट कैप भी देख सकते हो 4.44,000 करोड़ की है, पी रेशो 3.58 का है। पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। तो आज के दिन का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 1,48,00,000 का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है स्टॉक में। और टोटली सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखी जाए तो सिर्फ 30% क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जाते हुए नजर आ चुके हैं। 1,24,00,000 में से 38,00,000 क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए चले गए हैं। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग का चार्ट पे नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते फिर से 92 लेवल जो सपोर्टिव लेवल है वो लेवल तक आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक जब तक 90 लेवल यहाँ पे आप देख सकते इंपोर्टेंट है, तो 90 लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको रेंज बाउंड्री मूवमेंट देखने को मिलेगी। 100 लेवल से 105 से यहाँ पे 90 लेवल 15 पॉइंट के बीच में ही मूवमेंट ज्यादा होने के चांसेस दिखाई देंगे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए।